हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब? हेलो राम राम जी, जैसे आप सब जी तो ले तो मैं मंदिर चोले लाई है तो और उसी भी दादा जी है। कौन कौन मांग रहा था आपसे चॉकलेट? मैं तो सुबह है सुबह सुबह ही रस लगा दी सबको, चॉकलेट ले आई क्या, मेरे साथ चल पड़ी थी और मैं से दिला कर ले आया। रोती हुई मेरे पे देखी नहीं गई, मैंने सोचा बाहर ही ख़त्म कर लेगी, लेकिन इसने तो यहाँ बंदरों में बेली घेर दी, ला के सबको चिढ़ा दिया दिखा के। अब सब में बंटवारा ऐसा करना पड़ा। और देखो किसे किसे दिया है तुमने, थोड़ा थोड़ा, और भैया को और बहन जी को नहीं दिया थोड़ा सा चॉकलेट? इसने दोनों को दे दिया। और चिंकी दीदी ने दिया था मुझे चॉकलेट। अच्छा चलो ठीक है, तो अभी रेडी हैं स्कूल के लिए और अच्छे से जाना, ठीक है? अभी खा पी लिया इन्होंने नाश्ता करने के बाद, मुंह मीठा हो जाए थोड़ा सा चॉकलेट के द्वारा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए और देखिए सुबह सुबह सूर्य देवता ने ऐसे दर्शन दिए हैं जैसे होली के टाइम पे धूप निकल रहा है, एकदम खिलती खिलाती, मतलब बारिश के बाद में निकल रहे हैं। तो माँ बोल रही मुझे कुकर चढ़ा दिया चूल्हे पे और ये कह रही बबली दाल निकाल दे उसमें किसी बर्तन में, और मेरे हाथ से 3 दिन से मैं खाना बना रही ना प्रॉपर, तो 3 दिन से वो सब्जी जो है वो कम पड़ रही है, तो दाल मैंने निकाल दी है। आज बनाएंगे उड़द की और तोर की दाल मिक्स करके, तो ये वाली है वो दाल जो आज हमें बनानी है। और माँ ने कुकर मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ा दिया, सवेरे ही खाना बनाएंगे, मुझे फिर मार्केट का भी और काम करना है। और आपको क्या क्या करना है, सुबह से ही प्लानिंग हो जाती है ना इंसान की? सबसे पहले तो मुझे नहाना। अच्छा, जैसे सब नहाए। अच्छा, उसके बाद बताऊंगा आगे की प्लानिंग, ज्यादा लंबी में सोचता नहीं। ज्यादा लंबा ही सोचते नहीं वो क्या क्या करना, क्योंकि दिन भर में कुछ भी करना पड़ सके। एक एक कदम चलता हूँ बस, फिर आगे का रास्ता बनता जाता है। जैसे कि अब 10 कदम चल के नहाने जाऊंगा, फिर अगले 10 कदम देखूंगा किधर है, और दिन भर में काम तो रहते ही हैं, तो इसलिए धीरे धीरे जो है ऐसे कदम बढ़ाता रहता हूँ। ज़्यादा सोचता नहीं कि मैं पहले ही बता दूँ, लिख के दे दूँ मैं क्या करूँगा, और ऐसे थोड़ा ही ना चलता है। जो भी ज़रूरत पड़ेगी काम की वही तो होगा। हरी ताजी सब्जी लेनी है क्या कुछ? ना, हरी ताजी आज सब्जी है, कल देखेंगे। तो गाइस ये देखिए बेचारे को सोफे को 3 दिन से आराम नहीं मिला, इस पे इसे नसीब नहीं हुआ कि कोई इस पे बैठे। ये सामान 3 दिन से एज इट इज़ इस पे रखा हुआ है, क्योंकि जब पहले मम्मी शॉपिंग करके आई थी वो भी इस पे था, और कल जब कपड़े एक्सचेंज करने आई वो भी ला के इस पे रख दिए, और रात आरुषि भी जाएंगी ना हमारे साथ ट्रिप पे उसके कपड़े निकलवाए वो भी इस पे रख दिए। अब पैकिंग हो जाएगी जब जाके इस बेचारे सोफे को थोड़ी सी शांति प्रदान होगी। तो अभी मैं मम्मी से पूछने वाली थी इसका क्या किया जाए। बस इन्हें बैग में लगाने शुरू करेंगे, पैकिंग भी करेंगे थोड़ी सी, और जी क्या नाम अपना ये काम भी करेंगे। कितने सारे पर्स बैग कपड़े, और मम्मी अभी इस वाले बैग में से कपड़े निकाल रही, इसमें से किसके कपड़े आएंगे? इसमें सिर्फ आरुषि के पूरे कपड़े आ जाएंगे, है ना? है ना, और आरुषि की हमने ये 2 ड्रेसेस ली, दिखा दो कौन कौन सी। एक ये पिंक वाली जो उसके बर्थडे पे लाए थे, और ये जो गिफ्टेड है ये रात के शादी में बढ़िया लगेगी पहन के। हाँ हमने दोनों रख ली, जो सी भी अच्छी लगेगी वही बना देंगे, ठीक है? और रात ही मम्मी ने उसकी मम्मी से बोल के सारे कपड़े ढूंढवा दिए थे, बोला था अभी निकाल दो सुबह, फिर ना मम्मी पैकिंग कर लेगी और फिर ज्यादा झंझट नहीं रहेगी, क्योंकि आज मम्मी को काम भी बहुत ज्यादा है ना मम्मी। आज इन्हें हुडी भी एक्सचेंज करके आने, पैकिंग भी करनी और वैसा घर का काम भी करना। और इस बार हमारी प्लानिंग है कि हम ऐसे छोटे बैग लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम मनाली गए थे ना तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी उन बैग के चक्कर में। पापा जी आप भी बैग पैक करो अपना। मुझे तो ऐसा लग रहा जो गाड़ी में जाएंगे उसमें बैग आवेंगे बस, हम तो फिर बस से चले जाएंगे, बैग पहले भेज देंगे। इतने सारे कपड़े, ये घर के, ये बाहर के, ये नाइट के, ये डे के, ये गर्म, ये ठंडे, कुछ तो सर्दियों में हो ही जाए डबल। अब देख लो इतने कपड़े इन्होंने यहाँ पे भर दिए। एक बैग तो आरुषि का हो गया, एक आरुष का हो जाएगा। अरे एक बैग मेरा। 2 दिन के लिए जा रहे हैं, महीने भर के लिए नहीं जा रहे। बच्चों के एक दो जोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए बच्चों का। देखो मुँह, देखो कैसा बना रही है। बच्चों का एक दो गलती होगी, माफ कर दीजिए। देखो ऐसा बजाय लड़ाई यहाँ। 4-5 दिन के टूर पे जा रहे, 4-5 दिन। हाँ। 2-3 दिन
गुड्डू तो ये सोच रही पता नहीं कितने दिन के लिए जा रही, और देखो एक घड़ी कपड़े धर लिए, छोटे बच्चों की तो मजबूरी है। फिलहाल बच्चों के कपड़ों की पैकिंग हो चुकी है और ये चार बैग तैयार हो गए, 1 2 3 4 चारों बच्चों के। अभी मेरे और गुड्डू के पापा के कपड़े रह गए और मेरी साड़ियाँ गई हैं ड्राई क्लीन पर, तो वो आ जाएंगे आज, लेकर आएंगे ये थोड़ी देर में। क्या नहीं मिल रहा माश में? नैन कटर इसमें मिल गया। अच्छा, इसमें जम के कहने लगा ये इतना ऊंचा लगा दे, और देखिए सामान देख कितना जो करे अलमारी में भर दे, इतना सामान ही इसमें भर रखा, बता फिर नैन कटर दिक्कत है यहाँ। बताओ जी कोई बात है क्या? ये भी चीज का एक जगह स्थान नहीं है कहीं धरने का, कोई दिन में या देखे इस पर आ नहीं रहे। हाँ, कोई भी ऐसा सामान नहीं है, देखो अभी तो इसका मुहूर्त भी नहीं हुआ। एक टेबल रखी गई इस पर, एक ये रखा, टोपा भी रखा है एक। तो फिलहाल गुड्डू अपने बालों को स्ट्रेट कर रही, ये देखिए खुद से ही तो ज्यादा कर्ली से हो रहे थे उसके बाल, ये कह रही झुलसी रहे, मम्मी एक साल से हो जाएंगे तो ये, और इन्हें मैं सही कर लूंगी। तो स्ट्रेट करने का उमा सबको लगा रहता है, और मुझे कह रही है आप भी अपने बालों को वॉश कर लेना आज ही, क्योंकि आज मंडे है, कल फिर ट्यूजडे है, तो इस वजह से। तो चिंकी के चेंज करके मैं टॉप भी ले आई थी, ये देखिए वे उड़ीज वापस दे दी मैंने, तो इसने मुझे टॉप ही बोला था, एक येलो कलर का और एक पर्पल कलर का। तो कौन सा सबसे अच्छा लग रहा? दोनों लग रहे ना अच्छे, ये भी खोल कर दिखा। तो दोनों काफी सुंदर है और सॉफ्ट कपड़ा है इनका भी एकदम से। तो प्रेस के कपड़े भी आ गए और अभी बस बैग लगाती हूँ मैं। इस पे तो वीवी लिख रहा, वीवी लिख रहा, अच्छा वी मीन्स वाणी है। तो फिलहाल बना लिया चाय, क्योंकि काम के बीच बीच में इतना हकफ चाय का भी जरूरी होना चाहिए, तो मैं पीऊंगी अभी चाय और सबको भी दे दिया मैंने। और चिंकी कैसे लगे तुझे अपने पूरे कपड़े? बहुत अच्छे लगे ना। तो फाइनली अभी पूरी पैकिंग हो चुकी है और ये लास्ट में रह गया एक बैग, और मैं आपको अभी सारे बैग दिखा देती हूँ कितने कितने हुए। इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें आरुष के, इसमें आरुषि के, इसमें इसमें क्या है मम्मी, इसमें हमारे स्नैक्स है रास्ते में खाने के, उसमें शूज है, इसमें मम्मी पापा के हैं, और चिंकी के इसमें है, और इसमें मम्मी एंड में अपनी थोड़ी सी कुर्ती रख दी, और वैसे छोटे मोटे कपड़े जैसे कैप हैंकी वगैरह। मैंने जो है अभी अपने बालों का थोड़ा सा वो किया, मतलब सजावट सी, इन्हें भी कुछ चाहिए, मतलब मैंने स्ट्रेट किए सीरम वगैरह लगा के, और ये मैं अपने जो है चिमटा वगैरह भी रख लिया, सीरम वगैरह जो भी था कि वहाँ भी स्ट्रेट कर लेंगे, और मम्मी आप भी हेयर वॉश कर लियो, आपका भी धो दूंगी, स्ट्रेट कर दूंगी बाल, ठीक है। और ये जो मम्मी पर्स लाई थी ना बड़े वाले में, मम्मी वो रखोगे ना आप कैमरे की ऐसी सीरीज? माँ नहीं जा रही, बस बात यह है कि माँ को मिस कर रहे सब। हाँ। मेरे रिश्तेदार भी वही, माँ को भी लेकर आई हूँ, क्या करूँ, कुछ या मजबूरी ऐसी आ गई है, मैं तो तैयार हूँ कि मेरा तो हाँ। बाहर कहीं जाने का घूमने का। 9:30 बज गए हैं और मेरे साथ हैं हमारे कुछ गेस्ट और माँ और नंदनी। और गेस्ट कौन हैं उनके बारे में आज मैं बता देता हूँ, वैसे तो कल से आए हुए हैं ये, लेकिन अभी सुबह हम ये व्लॉग बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखो, ये है मेरे मामा की बेटी, चार मामा है मेरे, तो थर्ड वाले मामा उनकी बेटी वर्षा, तो काफ़ी दिनों बाद आए हैं। ये है मेरी मामी जी, और माँ को तो जानते ही हैं, और वे हैं इनके हस्बैंड, ये हैं इनके बेटा और बेटी। तो काफ़ी दिनों बाद आई है वर्षा, और ये हमारे जो मेहमान हैं ये तो पहली बार आए हैं। तो जी कल से जो है बातचीत हो रही थी, ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार आए, इन्होंने टाइम दिया हमें, और अभी सुबह में अब इनकी चलने की तैयारी है, तो सोच रहे कि थोड़ा सब लोग सूट कर लें। और इनका गांव है पीपलसा चरथावल, ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में सब बिजी रहते ही हैं, तो काम धंधे रहते हैं बहुत। अभी इनकी चलने की है तैयारी, तो नाश्ता पानी हो गया है। तो वर्षा बहन अब तो देख लिया घर, वर्षा ने तो देखा था, और हमारे जो मेहमान हैं इन्होंने नहीं देखा था, तो जी अब चक्कर लगा दिया करो, पहली बार तो रास्ता पूछना पड़ा आपको, और अब तो रास्ता याद करते हुए जाना वापस। तो इसके बाद में हमें भी जाना है, आज हम जाएंगे शादी में, और शादी में जैसे कि बताया है कि हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। अंजन और कन्हैया इनके बेटा और बेटी, इनका काफी मन लग रहा, नंदनी आरुष और आरुषि के साथ इनकी तिकड़ी चौकड़ी बनी हुई है कल से, तो बच्चों का तो जाने का मन नहीं कर रहा, आप यहीं रह जाओ है, देखे मम्मा जी क्या करे, आप यहीं रह लो, मैं छोड़ आऊंगा फिर, है नंदनी आपका भी मन लग रहा था इनके साथ, के साथ में बहुत काम कर, झूठ बोल रहे नहीं रखो इन्हें नहीं रखूं, हैं हम तो जा रहे हैं। देख अब गुंजन है, इस
इसको प्यार करूंगा मैं और उसे कन्हैया को, ठीक है? मैं भी। चिंकी उधर रेडी हो लिया सबसे पहले, और गुड्डू भी अपनी यूनिफॉर्म में, अपनी ड्रेस में जो पहन के जानी है इन्हें। आरुषि रेडी है एकदम शादी में जाने के लिए, शादी प्लस टूर। और भाई सुनो तो, सुनो तो अभी जो गेस्ट आए हुए थे वे गए हैं, वे अपनी गाड़ी उन्होंने लगा रखी थी गेट के सामने, तो आरुषि ने सोचा भाई हमारी गाड़ी आ गई है जिसमें हम लोग जाएंगे, तो आरुषि अपने बैग वैग सेपरेट रखा है इसने, सामान किसी का कोई सज्जा नहीं करा है आरुषि। और ये अपुन बाबूजी, ये देखो इसका स्टाइल।